लेकिन फिर इतना गर्म होने लगता है ना। सो गाइस, फर्स्ट टाइम आपका भाई चलाएगा KTM ADV 390। ले लद्दाख का एक्सपीरियंस यहीं पे हो रहा है हमारा। क्यों? क्योंकि ये रोड है पूरी मिट्टी से भरी हुई और हमारे सामने चल रही है बड़ी सी ट्रक। बाबा काय नो उतर एक सांग ना। अरे सांग मराठीत सांग। लो भाई, बिना स्टैंड के गाड़ी खड़ी रह गई। और हमारा सीधा प्लान था घर जाने का, बट देन हमने सोचा कि यहाँ पे आरे वारे करके एक बीच है तो वो भी हम लोग एक्सप्लोर करें। और अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, लेकिन हाँ फाइनली अपना दर्शन हो चुका है एंड नाउ वी आर गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट। भाई तो आज का ब्लॉग सीधा स्टार्ट हो रहा है अपने BMW बाइक से। भाई इधर मत देखो, गाड़ी चलाओ वरना गाड़ी गिरा दोगे। वैसे कल वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा हम लोग रुके हैं अभी गणपतिपुरे में। तो यहाँ पे जो हमारा होटल है वो गणपति से बहुत नज़दीक है, तो हमने सोचा कि बाइक लेके जाते और फिर वहाँ पे गणपति का दर्शन भी कर लेंगे। तो गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज विनय, वेलकम बैक टू माई चैनल कैट इज राइट विद अनदर वीडियो। तो भाई अभी हम जा रहे हैं गणपति के मंदिर में गणपति का दर्शन करने के लिए, और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। फिलहाल फटाफट करते गणपति का दर्शन और फिर कंटिन्यू करते अपनी राइड बैक टू होम। तो गाइस अगर आप लोगों को पता नहीं होगा, गणपति का जो मंदिर है वो एकदम बीच के साइड पे है। तो ये रहा बीच, देखो कितना ब्यूटीफुल है ना। हम लोग कल रात को यहीं पे आए थे और कल रात को यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। उस पार पूरा समुंदर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी अपनी गाड़ी जो है वो यहाँ पे पार्क कर दिए हमने। हमारे साथ है ज्ञानेश्वर और पीयूष एंड मस्तान भाई अभी अपनी बाइक चला रहे थे। दर्शन हो गया गाइस कंप्लीट। और ज़्यादा भीड़ थी नहीं, मतलब संडे है आज, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ थी नहीं और अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, लेकिन हाँ फाइनली अपना दर्शन हो चुका है एंड नाउ वी आर गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट। ये भी बताना, ऑफ सीज़न में आया करो क्योंकि दर्शन होता है। हाँ भाई वही है कि अभी सीज़न नहीं है गाइस, ऑफ सीज़न है। तो आपका अगर दर्शन करने का प्लान है तो फटाक से दर्शन हो जाएगा। बाकी यहाँ पे भी कैमरा अलाउड नहीं है। प्रसाद लिया है हमने 25 रुपीस का, ये एक बॉक्स, और घर लेके जाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए वरना फिर मम्मी बोलेगी कि मंदिर गया लेकिन प्रसाद नहीं लेके आया। बराबर है ना। टाइम टू लीव दिस होटल नाउ। और फिलहाल टाइम हो रहा है, वॉच मेरी बंद हो गई यार, मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 10:36 एंड इस होटल में हम रुके थे, इसका नाम है आदित्य हॉलीडे होम और ये है गणपतिपुरे में। तो भाई अगर आप लोग भी यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हो तो कंसिडर दिस होटल। बहुत हाइजीनिक था, बहुत क्लीन था, सर्विस भी अच्छी थी। पता नहीं कितना फेयर था। टोटल पैसे कितने लागले गाइस? अराउंड 7,000 रुपीज़ हमें लगे 15 जनों के। तो आपके हिसाब से देख लो कि आप कितने लोग आ रहे हो। और अभी हम निकल रहे गाइस वापस पुणे के लिए। फाइनली गाइस निकल चुके हैं ये कोंकण की गलियों से, और हमारा सीधा प्लान था घर जाने का, बट देन हमने सोचा कि यहाँ पे आरे वारे करके एक बीच है तो वो भी हम लोग एक्सप्लोर करें। वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 10 किलोमीटर ही है, 20 मिनट लगेंगे। तो वहाँ पे जाके वो भी बीच में आपको दिखा दूंगा। ये देखो भाई समुंदर, इतने ऊंचे हाइट से मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ यार। बिकॉज गोवा में जब गया था ना उस टाइम पे इतने हाइट से मुझे कोई होटल भी नहीं मिला था कि मैं समुंदर देख सकूँ, लेकिन देखो यार क्या दिख रहा है, एक नंबर। मज़ा आ गया इसको देख के सच्ची। मालौटते बीच वर घूम चल ले, है ना राहुल?
चला मग आला पीछे का टायर बहुत स्किड हो रहा है। ये एक्चुअली बीच सैंड है ना। थांबणारच नाही रे इथं गाडी। ऐक ना, मी गाडी दिली सोडून। लो भाई, बिना स्टँड के गाडी खडी रह गई। जाऊन दे बाबा। काय नव्हतं रे? सांग ना। अरे सांग, मराठीत सांग। हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू चॅनल। आपण जेव्हा दुसऱ्याच्या बीच आपण अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। इथे ॲज अ पर्यटक आलोय। भले आपण रायडर आहोत, बायकर आहोत, ऑल फाईन, पण आपण इथं ॲज अ पर्यटक, म्हणजे ॲज अ गेस्ट आलेलो आहे। हे एखाद्याची स्वतःची प्रायव्हेट प्रॉपर्टी असू शकते किंवा होती, जी गेली म्हणजे समुद्राच्या तावडीत सापडली। जेव्हा आपण इथं येतो, एक काळजी घेतली पाहिजे की आपण दुसऱ्याच्या एरियात आलो। इथले जर कोणी स्थानिक तुम्हाला भेटले तर त्यांच्यासोबत नीट वागा। उगीच त्यांना दाखवू नका की मी पुण्याचा आहे, मी मुंबईचा आहे, मी दिल्लीचा आहे, मी लय भारी आहे तुझ्यापेक्षा, तू या गावातच अडकून राहिलास, असं दाखवू नका। इथे या, बीचची मजा घ्या, समुद्राची मजा घ्या, तुम्हाला थोडी मस्ती करायची ती करा, पण करताना एक काळजी घ्या की इथल्या लोकांना त्रास नाही झाला पाहिजे। ये रहा मेरे पीछे आरे वारे बीच, मतलब ये तो समुंदर है लेकिन ये रहा यहाँ पे आरे वारे बीच। मैंने भी ये नाम फर्स्ट टाइम सुना है, आप लोगों ने भी आई गेस फर्स्ट टाइम ही सुना होगा। लेकिन यार ये बीच जो है ना, बहुत ही ऐसा आइसोलेटेड है, मतलब यहाँ पे भीड़ बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। आज संडे है लेकिन फिर भी यहाँ पे भीड़ है नहीं। शायद से ये जो बीच है ना, वो ऐसे गाँव के बीच में आता है, उसके वजह से यहाँ पे ज़्यादा लोग है नहीं। बाकी अपने जो बाइक्स है वो उस साइड वहाँ पे खड़े है। और ये रहा ओबू। ओबू क्या चल? ओबू भाई हमेशा अकेले अकेले बैठता है लेकिन अच्छा है, मेंटल पीस चाहिए। तो भाई तगड़ी राइडिंग के बाद टाइम फॉर रिफ्यूलिंग। वैसे पेट्रोल तो है गाड़ी में, फिर भी ये चलेगी अराउंड 233 किलोमीटर बस। थैंक यू 450। ले लद्दाख का एक्सपीरियंस यहीं पे हो रहा है हमारा। क्यों? क्योंकि ये रोड है पूरी मिट्टी से भरी हुई और हमारे सामने चल रही है बड़ी सी ट्रक। भाई आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा, देखो जैसे जैसे ट्रक आगे जा रही है ना, वैसे वैसे धूल आगे आगे हो रही है। झालं क्लियर झालं।
शिव सिद्धार्थ वॉन्ट्स टू बी योर फ्रेंड। शिव भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो देख लो, आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट कर दी मैंने, एक्सेप्ट। हाँ भाई, तो कह रहा था अभी टाइम हो रहा है 5:40 और हमने अभी लंच करा है इस होटल से जिसका नाम है होटल अभिरुचि फैमिली रेस्टोरेंट। नॉनवेज खाया, काफ़ी टेस्टी था यार, 4000 रुपये बिल आया। और वहाँ पे उस साइड देखो मस्त सनसेट सा हो रहा है, काश हमने सनसेट या फिर सनराइज़ कैप्चर किया होता। एनीवेज गाइज, अभी हम निकल रहे हैं वापस पुणे के लिए। और ये देखो अपने राहुल भाई की बाइक जिस पे उसने HJG की लाइट्स लगाए, वैसे ही ओबू ने सेम लाइट्स उसके शॉक ऑब्जर्वर पे लगाए। सो गाइज, फर्स्ट टाइम आपका भाई चलाएगा KTM ADV 390। इस बाइक को मैंने पहले कभी चलाया नहीं है, बस बैठा हूँ बट देन चलाया नहीं था, और यही बाइक मैं लेने का कंसिडर कर रहा था। भाई इसकी प्राइस सुनते ही मैं पागल हो गया, बस 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 बस। लेकिन उसके बाद अपना मन आया BMW पे, और यार BMW भी इसी प्राइस के, तो फाइनल मैंने वही बाइक ले ली। बट देन इसको आज चलाने का मौका मुझे मिल रहा है। फर्स्ट इम्प्रेशन भाई, इस बाइक की सीट इतनी कड़क है मैं आपको क्या बताऊँ। बाकी इसमें पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू BMW, तो पावर के मामले में बाइक और फीचर्स के मामले में बाइक हमेशा BMW से आगे रहेगी। तो वही है, मैंने सोचा कि भाई की बाइक चलाई जाए, और भाई अपनी बाइक चला रहा है, पावर है, पावर है। बाकी अभी चल रहे सीधा घर पे, और यार होप करता हूँ कि वापस ये कहीं रुके ना। और चलो रुकने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर इतना गर्म होने लगता है ना। हड़ू हड़ू ये ADV 390 पे लगे हैं फॉग लाइट, बहुत ही तगड़े। मतलब एक है मैट डॉग का जो मैंने अपने BMW पे भी लगाया है, और एक है HJG का 70+70 watts। बताओ यार, यही लाइट अपने को अपने बाइक पे भी लगाने हैं। तो मैं आपको इसका थ्रो दिखा देता हूँ, इफ़ पॉसिबल आपको भी पता चल जाएगा कि इसका रिजल्ट कैसा है। तो अभी मैं आपको लाइट ऑन करके दिखाता हूँ। ये रहा भाई फोकस, इसको बोलते तगड़े लाइट, तगड़े मतलब सामने वाला अंधा हो जाए ऐसे लाइट से ये। लेकिन फिर इसको हमेशा आपको यूज़ नहीं करना, बस एक्सट्रीम सिचुएशन में आपको ये लाइट्स ऑन करने, जहाँ पे कोई भी लाइट नहीं है उस टाइम पे आप इसको ऑन कर सकते हो। तो ये वाले लाइट्स अपने को भी लगाने हैं, देखते हैं कि बाद में लगाऊंगा, अभी फ़िलहाल तो कोई नीड है नहीं मुझे। टाइम आ गया इसको वापस उसके ओरिजिनल ओनर को दे देने का, क्योंकि भाई इसकी सीट बहुत दर्द कर रही है मेरे बम को। लेकिन हाँ, पावर बहुत है इस गाड़ी में, मस्त मस्त वाटली तुला ले, पावरलेस कमी वाटले असेल, पावर डिलिव्हरी आहे ती चांगली। हां, अशा ट्रॅफिक डिटेक्ट, आणि ब्रेक दाबल्यावर गाडी अशी का होती रे? अरे ते माझं ब्रेक पॅड गेले ना। हां का, हां हां हां। तुझं घर होतं का रे ते? पप्पा म्हणलं की एवढं रागानं बघत होता, आता म्हणलं मला पप्पा तो घर भाई आम्हाला इथेच वाटलं भाई, की म्हणून मी झालं दहा मिनिटे आलो। तो भाई सामने जो टेम्पो दिख रही ना आपको, MH04, पक्का ये बंदा किसी ना किसी को उड़ाने वाला है। लेफ्ट राइट लेन चेंज कर रहा है, लेकिन भाई इंडिकेटर दे नहीं रहा। ये सामने वाला जो है ओके लिखा हुआ ना, मैं तो उसके आगे जाऊंगा नहीं। देखो जैसे उसको लेफ्ट लेनी है ना, तो बिना इंडिकेटर के लेफ्ट राइट मुड़ेगा, लेकिन इंडिकेटर देगा नहीं। अभी वो एर्टिगा को जो सामने जा रही है ना, उसको ठोकते ठोकते बच गया। देखो 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 भाई साहब, भाई ऐसे लोगों से ना हाईवे पे बच के ही रहना हमेशा, बिकॉज आपको लगेगा आप तो आगे निकल जाओगे, लेकिन वो पीछे से आके कब आपको उड़ा देना आपको पता नहीं होता। इसलिए ऐसे लोगों के पीछे ही रहो और सेफ डिस्टेंस मेंटेन करो। मी तुझ्यासाठी हळू घेतली गाडी आणि तू इथे येऊन चहा पितोय, मला सांगायचं ते ये कॅटी भाई पे भरोसा मत करो, ये कुछ भी आपको वीडियो में दिखाता है और हमारा इमेज डाउन कर देता है। चाय दिख रही है, मैंने इसको किया था, बुलाया था, लेकिन आया नहीं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, किलोमीटर।
गाइस, टाइम हो रहा है 8:30 एंड फाइनली अपनी जो आज की राइड है वो हो चुकी है कंप्लीट। अभी मैं हूँ खड़ा खेड़ शिवापुर के टोल नाके पे, मतलब टोल नाका थोड़ा पीछे रह गया, हम लोग एक स्पॉट पे यहाँ पे खड़े हैं, ये फूड मॉल टाइप्स है तो यहीं पे हम लोग ज़्यादा करके रुकते हैं। और ये रहे हमारे सारे बाइक्स। तो गाइज यही थी आज की राइड, आई होप आपको ये वाली राइड भी पसंद आई होगी। अभी यहाँ पे डीब्रीफिंग सेशन चालू है और ऑफिशियली अभी अपनी जो राइड है वो हो रही है ख़त्म और यहाँ से राइडर जो है अपने अपने घर पे चले जाएंगे। तो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो मेरे चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइज। टिल देन सी यू इन अनदर वीडियो, बाय। कौन बोलेगा ऐसा, तुम जाओ मैं हूँ। रेडी स्टार्ट? हाँ यस। हैप्पी बर्थडे भाई, बर्थडे। अच्छा कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस। अरे राहुल 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 है।